हेलो गाइस, आई एम निगार और आज हम देखने जा रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की सेकेंड वीडियो से। तो चलिए जल्दी से मिलते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ से, जो आपकी वैकेंसी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ इन 1795 विलियम वर्ड्सवर्थ सेटल एट रेसडाउन डॉर्सेट शहर। 1795 में विलियम वर्ड्सवर्थ रेसडाउन डॉर्सेट शहर में सेटल हो गए। और 1795 को विलियम वर्ड्सवर्थ किससे मिठवे एसटी कॉलेज से फर्स्ट टाइम 1795 को विलियम वर्ड्सवर्थ एसटी कॉलेज से पहली बार मिले। इन 1798 लिरिकल बैलेट पब्लिश 1798 को लिरिकल बैलेट पब्लिश हुई। लिरिकल बैलेट जो विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज दोनों ने कोलैबोरेशन में पब्लिश कराया था। लिरिकल बैलेट के पब्लिश होते ही रोमांटिक एज की शुरुआत होती है। लिरिकल बैलेट जो पहली बार 1798 को पब्लिश हुई, लिरिकल बैलेट जिसमें 23 पोएम्स हैं, 4 पोएम एसटी कॉलेज की है और 19 पोएम वर्ड्सवर्थ की है। लिरिकल बैलेट की फर्स्ट पोएम एसटी कॉलेज की एंशियंट मैरिनर है और लिरिकल बैलेट की लास्ट पोएम वर्ड्सवर्थ की टिंटन एबे है। टिंटन एबे वर्ड्सवर्थ की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है जो एग्ज़ाम में लगातार पूछी जाती है। लिरिकल बैलेट जो खुलती है एसटी कॉलेज की एंशियंट मैरिनर से और क्लोज होती है टिंटन एबे से। इन 1800 सेकेंड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट पब्लिश और 1800 में लिरिकल बैलेट का सेकेंड एडिशन पब्लिश होता है। इन 1802 ही मैरिड मैरी हचिंसन। 1802 में यानी 1802 में वर्ड्सवर्थ ने मैरी हचिंसन से शादी की एंड थर्ड एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट पब्लिश और 1802 ही में लिरिकल बैलेट का थर्ड एडिशन पब्लिश होता है। 1805 फोर्थ एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट पब्लिश और 1805 में लिरिकल बैलेट का चौथा एडिशन पब्लिश होता है। 1830 वर्ड्सवर्थ शिफ्टेड इन रिडल माउंट। 1813 में वर्ड्सवर्थ रिडल माउंट में शिफ्ट हो जाते हैं विद हिज सिस्टर डोरोथी और मैरी। 1813 में वर्ड्सवर्थ अपनी बहन डोरोथी के साथ और मैरी अपनी वाइफ के साथ रिडल माउंट में शिफ्ट हो जाते हैं। 1890 पीटर बेल एंड द वैगनार। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पीटर बेल पोएम है और द वैगनार 1890 को पब्लिश होती है। पीटर बेल जो कंपोज होती है 1798 को और पब्लिश होती है 1819 को। द वैगनार जो कि 1805 में कंपोज होती है और 1819 को पब्लिश होती है। यानी पीटर बेल और द वैगनार 1819 में पब्लिश होती है, पीटर बेल 1798 में लिखी जाती है और द वैगनार 1805 में लिखी जाती है। 1820 द रिवर डूडन अ सीरीज ऑफ सोनेट पब्लिश। वर्ड्सवर्थ की द रिवर ऑफ डूडन जो कि एक सोनेट सीरीज है वो 1820 में पब्लिश होती है। फिर से देखते हैं 1820 में द रिवर डूडन अ सीरीज ऑफ सोनेट पब्लिश। 1820 में वर्ड्सवर्थ की द रिवर ऑफ डूडन जो कि सोनेट सीरीज है पब्लिश होती है। 1850 डाइड ऑन 23 अप्रैल एट रिडल माउंट और वर्ड्सवर्थ 1850 को 23 अप्रैल 1850 को वर्ड्सवर्थ रिडल माउंट में उनकी डेथ हो जाती है। मिलते हैं वर्ड्सवर्थ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क द प्रिल्यूड से। वर्ड्सवर्थ स्टार्टेड पोएम टू कॉलेज इन 1798। वर्ड्सवर्थ ने शुरू की पोएम टू कॉलेज को लिखना 1798 में। यानी 1798 में वर्ड्सवर्थ ने पोएम टू कॉलेज को लिखना स्टार्ट किया और इसको कंप्लीट कब किया 1805 में। यानी पोएम टू कॉलेज को लिखना स्टार्ट किया 1798 में और कंप्लीट किया 1805 में। पोएम टू कॉलेज जो कि वर्ड्सवर्थ ने शुरू की थी और प्रिल्यूड के नाम से इनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने पब्लिश कराई। यानी पोएम टू कॉलेज वर्ड्सवर्थ की लाइफ लॉन्ग पब्लिश ना हो सकी, बट ही डिड नॉट पब्लिश इन हिज लाइफ लॉन्ग। पोएम टू कॉलेज जो वर्ड्सवर्थ ने लिखा था इसे अपनी ज़िंदगी में पब्लिश ना करा सके। आफ्टर हिज डेथ हिज वाइफ मैरी हचिंसन पब्लिश। और वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद इनकी पत्नी मैरी हचिंसन ने पोएम टू कॉलेज को पब्लिश कराया एंड गेव इट द टाइटल द प्रिल्यूड। और पोएम टू कॉलेज को इनकी वाइफ मैरी हचिंसन ने टाइटल दिया द प्रिल्यूड। यानी पोएम टू कॉलेज को द प्रिल्यूड नाम से पब्लिश कराया। इट्स सब टाइटल द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। और प्रिल्यूड का सब टाइटल है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड।
इट पब्लिश्ड इन 1850 बाय मैरी। प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद 1850 में मैरी ने इसे पब्लिश कराया था। इन प्रिल्यूड देयर आर 14 बुक्स। प्रिल्यूड में 14 किताबें हैं। द प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल वर्क। प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। सम अदर पोएम्स, सॉलिटरी रीपर, डैफोडिल्स, ये वर्ड्सवर्थ की मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है जो लगातार एग्जाम में पूछी जाती हैं। लंदन 1802 जिसका सब टाइटल है टू मिल्टन। लंदन 1802 जो वर्ड्सवर्थ ने मिल्टन के लिए लिखा था और ये उनका सोनेट है। ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी। ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी वर्ड्सवर्थ की ओड है जो इनकी फिलोसफिकल पोएम है और ये एग्ज़ाम में मेनी टाइम्स पूछी जाती है, यानी इसकी लाइन हर एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलती हैं। लीज गिदरर जिसका सब टाइटल रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस है, ये भी वर्ड्सवर्थ की मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है। द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर जिसका सब टाइटल रुथ है, माइकल वर्ड्सवर्थ की रस्टिक पोएम है जिसमें माइकल जो कि एक बूढ़ा व्यक्ति होता है और इनकी कॉटेज का नाम इवनिंग स्टार होता है। द एडियट बॉय, ये द एडियट बॉय भी वर्ड्सवर्थ की एक इम्पॉर्टेंट पोएम है। वर्ड्सवर्थ वाज रिटन 5 लूसी पोएम। वर्ड्सवर्थ ने 5 लूसी पोएम लिखी। वर्ड्सवर्थ ओनली लव सॉनेट इज़ वाई आर डाउ साइलेंट। वर्ड्सवर्थ ने केवल एक ही लव सॉनेट लिखी जो है वाई आर्ट दाउ साइलेंट। वाई आर्ट दाउ साइलेंट वर्ड्सवर्थ की लव सॉनेट है। द प्रिल्यूड जिसका सब टाइटल ग्रोथ ऑफ ए पर्स माइंड है, द प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जो कि ब्लैंक वर्स में लिखी। द प्रिल्यूड किस में लिखी गई है, ब्लैंक वर्स में। लीज गिदरर इज़ ए लिरिक पोएम। लीज गिदरर वर्ड्सवर्थ की लिरिक पोएम है जो 1802 में कंपोज हुई और 1807 में पब्लिश हुई। लीज गिदरर 1802 में लिखी गई और 1807 में पब्लिश हुई। सो गाइस, अब मिलते हैं वर्ड्सवर्थ के नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ विदा लेते हैं। थैंक्स।